रुकिए, आप इधर मत बैठिए, ये मेरी मम्मी की सीट है। मुझे नहीं पता था कि इस घर में चेयर पे लोगों के नाम लिखे हैं। पापा की टायर ने सीधा उसका मतलब कि ये मम्मी की सीट है। सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया है एक दिलचस्प मोड़, जहां एक तरफ घर में सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। अरे वाह अक्षत बेटा, देखा हमारा बेटा कितना समझदार हो गया है। सौम्या, सौम्या को पकड़ो। तभी वहां मंगल आती है और कुसुम के पास खड़ी हो जाती है। इतने में सौम्या भी आती है और आदित्य के बगल वाली कुर्सी पर बैठना चाहती है। जैसे ही वह उस कुर्सी पर बैठने जाती है, तभी आदित्य और मंगल का बेटा उसे रोक देता है और कहता है, आप यहाँ मत बैठो। ये सुनकर सौम्या सवाल करती है, क्यों नहीं? जिसके जवाब में आदित्य का बेटा कहता है, ये कुर्सी मेरी माँ की है और हमेशा रहेगी। पापा की टायर ने सीधा उसका मतलब कि ये मम्मी की सीट है। इसके बाद कहानी में एक ट्विस्ट आता है, जब वह सौम्या को धक्का मारकर वहां से हटा देता है और मंगल को उस कुर्सी पर बैठा देता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर सौम्या गुस्से में जाकर कुसुम के पास बैठ जाती है। कहानी में यहाँ भी एक नया मोड़ आता है, जब कुसुम सौम्या को ताना मारते हुए कहती है, अब तुम इस घर की बहू हो ना, तो जाओ सबका ख्याल रखो, सबको खाना परोसो। इस पर सौम्या कहती है, ये काम तो मंगल का है, वही करेगी। जिस पर कुसुम जवाब देती है, जब मंगल बहू थी तब सब करती थी, अब वह मेरी बेटी है और तुम बहू, इसलिए अब ये काम तुम्हें करना है, जाओ और रसोई से गर्मा गर्म पूरी लाकर सबको दो। ये सुनकर सौम्या गुस्से से वहां से चली जाती है। वेल, अब सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे कौन सा नया मोड़ आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा।